जिला मुख्यालय धर्मशाला में आगामी माह होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इन्वेस्टर मीट में आने वाले वीआईपी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल असिस्टेंट उपलब्ध करवाई जाएंगी। कांगड़ा एयरपोर्ट सहित प्रशासन द्वारा चिन्हित हेलीपैड्स पर मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी। जिला मुख्यालय धर्मशाला में आगामी माह होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। इन्वेस्टर मीट में आने वाले वीआईपी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल असिस्टेंट उपलब्ध करवाई जाएंगी। कांगड़ा एयरपोर्ट सहित प्रशासन द्वारा चिन्हित हेलीपैड्स पर मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी। वहीं जोनल अस्पताल धर्मशाला और टांडा मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टर मीट के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने एक एक प्राइवेट वार्ड रिजर्व किया है, जिनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जानकारी के अनुसार 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीआईपी, कई देशों के दूतावास, बड़े उद्योगपतियों सहित 2500 के लगभग लोग आएंगे, जिनके लिए मेडिकल असिस्टेंट्स उपलब्ध करवाने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली है। इन्वेस्टर मीट के आयोजन स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम आवश्यक उपकरणों सहित तैनात रहेगी। वहीं एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद रहेंगी। इसके अतिरिक्त प्राइवेट वार्ड का भी इंतजाम किया गया है। इन्वेस्टर मीट में काफी संख्या में लोग आएंगे, ऐसे में प्रशासन द्वारा चिन्हित हेलीपैड्स और कांगड़ा एयरपोर्ट पर भी मेडिकल स्पेशलिस्ट सहित एम्बुलेंस तैनात रहेगी। CMO जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आने वाले वीआईपी के लिए मेडिकल असिस्टेंट्स उपलब्ध करवाने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली है। इन्वेस्टर मीट के आयोजन स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम आवश्यक उपकरणों सहित तैनात रहेगी। वहीं एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद रहेंगी। इसके अतिरिक्त जोनल अस्पताल धर्मशाला और टांडा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल विशेषज्ञों की टीमें तैनात रहेंगी। वहीं धर्मशाला अस्पताल व टांडा में आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित प्राइवेट वार्ड का भी इंतजाम किया गया है। इन्वेस्टर मीट जो है वो 7-8 को शेड्यूल्ड है, जिसमें लगभग 2000 वीआईपी डेलीगेट्स आने एक्सपेक्टेड हैं। स्वास्थ्य विभाग को जैसे प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं, हमने वेन्यू पे भी मेडिकल सुविधा का इंतजाम किया है। साथ में जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में भी डेजिग्नेटेड स्पेशल वार्ड डेजिग्नेट किया है। साथ में टांडा में भी एक स्पेशल वार्ड और स्पेशलिस्ट की टीम तैयार रहेगी। इसके साथ साथ बाई एयर बड़ा सारा आवागमन होगा, जिसके लिए गगल एयरपोर्ट और नज़दीकी हेलीपैड्स जो हैं उस प्रशासन द्वारा सेलेक्ट किए हैं, उसके दौरान भी जो है वहाँ पे भी हमारी मेडिकल टीम्स लोगों को के लिए उपलब्ध होगी। सर, निजी संस्थान जो भाई निगमित हैं उनके भी निजी जो स्वास्थ्य क्लिनिक हैं उनमें भी नहीं, अभी हमने उनकी आवश्यकता नहीं है। हमने सारे अपने जो स्वास्थ्य संस्थान हैं उनको सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। साथ में जो BPIP विजिट्स हैं, अगर वो प्रधानमंत्री जी आते हैं या और केंद्रीय मंत्री आते हैं, उनके लिए भी जैसे SPG की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उनको मेडिकल सुविधा उसके अनुसार प्रोवाइड की जाएगी।